दमोह में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने लाडली बहनों से राखी भी बंधवाई और सीएम ने कहा कि बहनों के प्यार का धागा रिश्तों को मजबूत करता है। मुझे बताया गया कि बहुत दिन से बारिश नहीं हुई थी। अरे बारिश होती कैसे, बहनाओं को बुलाओ तो बारिश ही बारिश होगी, ये आनंद की वर्षा होगी। इस आनंद के लिए तो देवता भी तरसते कि सावन का महीना कब आ जाए। और बहनों के उस प्यार के लिए क्या हमारे लिए मानवीय सभ्यता में, खास करके भारतीय संस्कृति के इतिहास में, त्योहारों की रचना जो ऋषि मुनियों के समय से हुई है, हमारी भारतीय संस्कृति की ध्वजा को लेके चलने का, सारे त्योहार अपना अपना महत्व रखते हुए आनंद में डुबाते और जीवन जीने के लिए और इच्छा शक्ति को प्रबल करते हैं, ये परमात्मा की कृपा है। हमारे लिए तो क्या रचना बनी है त्योहारों की। होली आएगी तो सारे मन की कलुषताएं, सबकी दूरियां मिट करके रंगों में रंग सब मिलकर के आनंद में डुबा देते। वो होली का आनंद हम सबके लिए फागुन का महीना लेकर के आता है। दिवाली की बात करो तो क्या कहना है, भगवान राम ने रावण को जरूर मार करके लंका पे विजय प्राप्त की है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी के घर में सुख आनंद का दीपक जले, उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो, इसलिए दिवाली का पर्व और ये होली और दिवाली दो त्योहारों के बीच दोनों बार हमारी फसलों की अपनी आवक के माध्यम से अपनी जीवन की दशा बदलती है। और त्योहारों की श्रृंखला तो ऐसी है कि 12 महीना और 13 त्योहार, उसका आनंद ही अलग है। और त्योहार में त्योहार सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन का पावन पर्व का त्योहार, इस त्योहार के आगे सारे हमारे त्योहार फीके पड़ते हैं। रक्षाबंधन बहनों से भाई की रक्षा का संकल्प, दो धागे जरूर बांधती है बहने, लेकिन ये दो परिवार के बीच पुल का काम करता, सेतु का काम करता है। बहनों का अपने भाई के प्रति माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा प्यार लुटाने वाला कोई शख्स घर में है तो ये सभी बहने में आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद लेना चाहता। पूरे साल इंतजार करती बहने उमंग से, उत्साह से, जैसे ही सावन आ जाए तो ऐसा लगता है कि चहकने लगती है। परिवार वाले, ससुराल वाले भी समझ जाते हैं कि अब इनका अपना परिवार से मायका में जाने का समय आया है और धीरे धीरे करके रक्षाबंधन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजा करके यशस्वी प्रधानमंत्री का।